हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट टोन फेस पाउडर को इस्तेमाल करने के कुछ ऐसे 5 तरीके। अगर आपने इनको अपने डेली मेकअप में ऐड कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स थे व्हाइट टोन फेस पाउडर को लेके कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन्हीं सभी डाउट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है और साथ में ही कुछ ऐसे 5 तरीके बताए हैं जिनको अगर आपने अपने डेली मेकअप में ऐड कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप इन तरीकों को इस्तेमाल कीजिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। उसी के साथ मेरे चैनल ब्यूटीफुली को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एकदम फ्री है फ्रेंड्स, तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाइट टोन फेस पाउडर की। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी की तरफ से कुछ हल्की फुल्की पैकिंग में ही आता है, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का व्हाइट टोन फेस पाउडर हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और साथ में ही लाइव रिजल्ट मैं आपको दूंगी हर तरीके का। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हर तरीके से इन्होंने यहाँ पर लेबल किया हुआ है और बैक साइड में इसकी कॉस्ट भी इन्होंने लिखी हुई है, 55 रुपीज़ में ये हमें मिल जाता है। तो हम इसको अब ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर मिलता है हमें छोटा सा व्हाइट टोन फेस पाउडर का ये बॉक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझको अच्छा लगा क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल फ्लोरल प्रिंट में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट टोन और साथ में ही व्हाइट और पिंक बॉक्स में ये आता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर का है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एंड फ्लॉलेस स्किन टोन देखने को मिलेगा। साथ में ही इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल फूलों जैसी खुशबू आती है, इसमें से स्वीट एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस इसमें से आती है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है ये आपकी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जी हाँ, जो हमारे फेस का टी जोन एरिया होता है, मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ, जो हमारे माथे का एरिया होता है और साथ में ही जो नोज का इनर एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल आता है हमारे फेस पर, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमारे फेस पर कुछ हल्की बहुत अगर इम्परफेक्शन है, लाइक दाग धब्बे हैं, तो उनको भी ये थोड़ा सा ढक देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके व्हाइट टोन फेस पाउडर के हैं। साथ में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और लॉन्ग लास्टिंग है। 1-2 घंटे तक आप इसको अगर अप्लाई करके रखेंगे तो ये आपके फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स व्हाइट टोन फेस पाउडर के थे और साथ में ही मैं आपको कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगी और उनके लाइव रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ हानियों की, तो इसे हमें अपने हैंड से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेटर नहीं दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें वो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये केवल 1-2 घंटे तक तो वर्क करता है हमारे फेस पर, लाइक 1-2 घंटे तक तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि हमारे फेस पर से किसी भी तरीके का कोई ऑयल आएगा ही नहीं। तो एब्जॉर्बेशन की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, एब्जॉर्ब करके रखता है ये हमारी स्किन के जो ऑयल आता है, हमारी स्किन का जो ऑयल आता है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये सारे कुछ फ़ायदे थे इसके और कुछ हानियां थी जिनको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज़ को शेयर करके चल रही हूँ आपके साथ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाए। तो ये थे यहाँ पर हमारे कुछ इसके बेनिफिट्स एंड कुछ हार्म्स। हार्म्स कोई ज़्यादा वैसे हाईलाइट नहीं है, छोटे मोटे इसके हार्म्स हैं, बट बाकी इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइट वेटेड है। अब हम बात करते हैं 5 उन तरीकों का जिस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है वीको टर्मरिक क्रीम। आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक क्रीम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट गोरापन तो आप वीको टर्मरिक को इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ व्हाइट टोन फेस पाउडर को किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा अमाउंट वीको टर्मरिक क्रीम का। अब इसको अच्छे से आप अपने फेस पर लगाइए और स्प्रेड कीजिए हल्के हल्के हाथों से। यहाँ पर मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से अपने हाथों पर लगाया है
वीको टर्मरिक का जो वर्क होता है वो हमारी स्किन टोन को लाइट करने का होता है, गोरा बनाता है। अगर हम इसमें वाइट टोन फेस पाउडर को और ऐड कर दें तो आप सोच ही सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वीको टर्मरिक क्रीम को लगा लिया है। अब बारी आती है वाइट टोन फेस पाउडर को लगाने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट मैंने वाइट टोन फेस पाउडर का ले लिया है और अच्छी तरीके से मैं इसको अपने हैंड्स पर स्प्रेड कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाए। तो देखिए कितना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं किसी भी फाउंडेशन के साथ तो आप इसको लगा सकते हैं। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद आप वाइट टोन फेस पाउडर को किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे 9 to 5 रेंज का ये फाउंडेशन। अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे हमें अप्लाई करना चाहिए और इसके बाद वाइट टोन फेस पाउडर को कैसे लगाना चाहिए। किसी भी फाउंडेशन के साथ अप्लाई करने पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमारे स्किन पे फेयरनेस तो लाता ही है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ग्लो हमारे फेस को देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैंने लैक्मे का 9 to 5 रेंज का फाउंडेशन लगा लिया है। अब बारी आती है वाइट टोन फेस पाउडर को लगाने की। तो यहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको फैला लिया है अपने हाथों पर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप किसी भी लैक्मे 9 to 5 रेंज के साथ अगर अप्लाई करते हैं और साथ में वीको टर्मरिक के। अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई और आपका मन कर रहा है वाइट टोन फेस पाउडर को लगाने का तो डोंट वरी, आप लगा सकते हैं। किसी भी कोल्ड क्रीम को लीजिए। यहाँ पर मैंने ली है ओरिफ्लेम की ऑप्टिमल ऑक्सीजन वाली क्रीम और साथ में ही लिया है मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम। आप इन दोनों के साथ इसको लगा सकते हैं। अपने फेस पर इसको अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा वाइट टोन फेस पाउडर इसके ऊपर लगा लीजिए तो आपके फेस पर जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगी और आपके फेस पर एक नमी और मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ 3 वाइट टोन फेस पाउडर के हैक्स। अब हम बात करते हैं इसके 4th हैक की। यहाँ पर इसका जो 4th इस्तेमाल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मस्कारा के साथ। यहाँ पर मैंने लिए हैं किसी भी मस्कारा को लगाने से पहले आप वाइट टोन फेस पाउडर को अपनी पलकों पर लगा लीजिए और उसके बाद मस्कारे को लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो पलके हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएंगी और एक उनमें नेचुरल कर्ल आ जाएगा तो आपको किसी भी कर्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं इसके 5वें तरीके की तो यहाँ पर आता है ये लिपस्टिक का तरीका। अगर आपकी लिपस्टिक है मॉइस्चर वाली, बहुत ही ज़्यादा उसमें अगर है शाइनिंग तो आप इस तरीके से उसको मैट का बना सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक को अप्लाई करना है और उसके बाद कुछ अमाउंट वाइट टोन फेस पाउडर का उसके ऊपर डालना है कुछ इस तरीके से। पहले थोड़ा ही अमाउंट उसके ऊपर हमें डालना है और अच्छी तरीके से उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मैट की लिपस्टिक है, सॉरी जो हमारी शाइनिंग वाली लिपस्टिक है वो मैट की बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बार इसको अप्लाई किया हल्के हल्के हाथों से तो वो थोड़ा कम रह गया था। मैंने दोबारा इसको ऐड किया है लिपस्टिक के ऊपर। अब जितना भी एक्स्ट्रा का जो हमारा वाइट टोन फेस पाउडर है उसको मैंने हाथ से इस तरीके से झाड़ लिया है। तो ये हमारी बन गई मैट की लिपस्टिक। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ वाइट टोन फेस पाउडर को इस्तेमाल करने के 5 ऐसे तरीके। आप इनको ट्राई कीजिए और मुझको ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और कौन सा तरीका आप फटाफट से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो वाइट टोन फेस पाउडर को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम फ्री है। और साथ में ही जो मेरे पुरानी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है उनको भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।